मेरे प्यारे साथीदारों, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम ये चीज देखने वाले हैं कि जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम की केमिस्ट्री, ज्यादातर वो ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में यूज होती है, उसके केमिस्ट्री के बारे में हम देखने वाले हैं। उसको शॉर्ट फॉर्म में ACE इनहिबिटर्स ऐसा भी कई लोग बोलते हैं, तो चलो उसको देखते हैं। तो पहले उसका टाइटल है, उसके पहले हम एक लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, हमारे लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगिता वाला है कि ऑल ACE इनहिबिटर्स आर प्रोड्रग्स एक्सेप्ट कैप्टोप्रिल एंड लिसिनोप्रिल। जो भी ड्रग आएगी और मैं बताऊंगा उसमें हम बोलेंगे, तो हम इतना ही नहीं बोलेंगे कि ACE इनहिबिटर, ACE LC इनहिबिटर। LC क्यों बोलेंगे तो हम बता देंगे कि लिसिनोप्रिल अब कैप्टोप्रिल। सो चलो देखते हैं आगे क्या होता है, कैसे वो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं, उसका SAR क्या होता है। तो हम देखें तो ज्यादातर लोअर सोडियम एक्सक्रीशन और रिड्यूस ब्लड प्रेशर। जब हमारी बॉडी में सोडियम का कंटेंट कम होता है और ब्लड प्रेशर डाउन हो जाता है, तब काउंटर और फीडबैक मैकेनिज्म से हमारी बॉडी में रेनिन रिलीज होता है। रेनिन ज्यादातर किडनी में से रिलीज होता है। जो रेनिन जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल में से रिलीज होके क्या करता है, वो एंजियोटेंसिनोजन को रिलीज करता है। जिस एंजियोटेंसिनोजन वो बाद में एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट होता है, उसकी केमिस्ट्री भी मैं बताने वाला हूं। वो एंजियोटेंसिन 1 ACE एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम के रूप से कन्वर्ट होगे एंजियोटेंसिन 2 और एंजियोटेंसिन 3 में कन्वर्ट होता है। अब बात क्या होती है कि एंजियोटेंसिन 2 है वो वैसोकंस्ट्रिक्टर है। तो हमारी बॉडी में क्या हुआ था, ब्लड प्रेशर डाउन हुआ था, सोडियम का कंटेंट कम हुआ था, तो ये उससे क्या हुआ कि ब्लड प्रेशर कम हो गया था, तो वो ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्ट करके, जो हमारी वो ब्लड वेसल होती है उसको कंस्ट्रिक्ट करके वो क्या करेंगे, ब्लड प्रेशर ज्यादा करेंगे, इंक्रीज पेरिफेरल रेजिस्टेंस, पेरिफेरल रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। एक रास्ता ये हो गया। दूसरा रास्ता ये है कि सोडियम का कंटेंट कम हो गया है तो उससे क्या होगा कि इमीडिएटली एल्डोस्टेरोन सिक्रेशन होगा। एल्डोस्टेरोन सिक्रेशन से उसका रोल क्या है, उसको मिनरलो कॉर्टिकोस्टेरॉइड हॉर्मोन्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिनरलो कॉर्टिकोइड स्टीरोइड, कॉर्टिको स्टीरोइड हार्मोन। तो वो क्या करता है, ज्यादातर मिनरल्स हमारी बॉडी में रिटेन करते हैं, तो वो क्या करे, सोडियम और फ्लूइड का रिटेन करेंगे। जैसे जैसे सोडियम और फ्लूइड हमारी बॉडी में रिटेन होगा तो यहाँ पे इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम होगा। जैसे ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा तो वो क्या दिखाएगा, वो ब्लड प्रेशर बढ़ाएगा। तो ये हमारी एक काउंटर मैकेनिज्म है जिससे हम एलिवेट कर सकते हैं ब्लड प्रेशर को। जब हमारी बॉडी में कोई ऐसे सर्कमस्टेंसेस से, कोई ऐसे सर्कमस्टेंसेस से ब्लड प्रेशर डाउन होता है और हमारी बॉडी में सोडियम का एक्सक्रीशन कम होता है, तो ये सारी मैकेनिज्म से हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। बट कई बार ऐसा भी होता है कि हमारी बॉडी में कोई अननोन रीजन से ये रेनिन का रिलीज ज्यादा हो गया, तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर से ब्लड प्रेशर ज्यादा आएगा, तो हम ऐसा रिपोर्ट करते हैं कि पेशेंट को हाइपरटेंशन है। तो अभी ये सब मैकेनिज्म को ब्लॉक करना हो तो हमें क्या करना चाहिए, इसको ही ब्लॉक कर देना चाहिए। इसको ब्लॉक कैसे करें, इसको ब्लॉक हम इस तरह से करते चलेंगे कि हमारे पास जो ACE ही है उसको हम ब्लॉक कर दें। तो ACE को ब्लॉक कर देंगे तो पूरा का पूरा ये सब मैकेनिज्म ब्लॉक होके चलेगी, तो हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ेगा नहीं। तो अब करें तो करें कैसे, तो पहले हमें ACE की केमिस्ट्री देखनी होगी और ACE की केमिस्ट्री एंजियोटेंसिन 1 के साथ कैसे जुड़ती है, तो उसकी जगह पे हम ड्रग रख देंगे। तो ये ड्रग क्या करेगी, ड्रग जाके एंजियोटेंसिन 1 के साथ जुड़ जाएगी, तो क्या होगा कि एंजियोटेंसिन 1 का 2 में कन्वर्ट नहीं होगा, 3 में कन्वर्ट नहीं होगा, तो ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा। पर उसको कैसे एंजियोटेंसिन 1 और ड्रग को बढ़ाना है, इसके लिए हमें केमिस्ट्री देखनी होगी। तो चलते हैं, हम देखते हैं कि ये क्या होता है।
पहले एक बात यह भी है कि ब्रैडीकाइनिन का फॉर्मेशन, कैलिडीन में से ब्रैडीकाइनिन होता है, ब्रैडीकाइनिन में से प्रोस्टेग्लैंडिन रिलीज होता है, और प्रोस्टेग्लैंडिन जो रिलीज होता है वो एक तरह का वैजो कंस्ट्रिक्टर है, जो वैजो सॉरी वैजो डायरेटर है, तो वो क्या करेंगे, ब्लड प्रेशर को डाउन करेंगे। तब होता क्या है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम ये ब्रैडीकाइनिन को इस रास्ते से इस रास्ते लेके आ जाता है, तो हो क्या जाता है, होता कुछ ऐसा है, ऐसा कुछ नहीं बनता तो वैसोडायलेशन नहीं होता, वैसोडायलेशन नहीं होता तो ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है, इंक्रीज अ ब्लड प्रेशर। तो हम उसको फिर से वही रास्ता कि क्या करें भाई, हम कर दे उसको ब्लॉक। अगर ये ब्लॉक हो जाएगा तो ये रास्ता ऐसे चलता 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 यहां पे आएगा, तो ब्लड प्रेशर हमारा कंट्रोल में आएगा और ब्लड प्रेशर डाउन होगा। देखते हैं तो केमिस्ट्री में क्या है, बायोकेमिस्ट्री ऑफ रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम, उसको रास सिस्टम भी बोलते हैं, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम। ओके, तो पहले हम देखें तो हमारी बॉडी में जो कुछ है, तो एक उसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, ये एमिनो एसिड का सीक्वेंस है, उसमें टोटल शायद 13 एमिनो एसिड, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 and 13 एमिनो एसिड्स की, 13 एमिनो एसिड्स की एक चेन है, उसको पेप्टाइड बोला करते हैं। पेप्टाइड का जो लेफ्ट हैंड साइड होता है ये, उसको एन टर्मिनल बोलते हैं, और पेप्टाइड का जो राइट हैंड साइड होता है उसको सी टर्मिनल बोलते हैं। ठीक है, तो ये है क्या, तो हम देखें तो ये हमारा है एंजियोटेंसिनोजन। ये एंजियोटेंसिनोजन होके क्या करता है, तो ये एंजियोटेंसिनोजन उसका रेनिन, रेनिन क्या करेगा, एंजियोटेंसिनोजन को ल्यूसीन एंड वेलाइन, ये जो दो एमिनो एसिड्स है वहां से कट करके, उसको कट करके क्या करेंगे, उसको कन्वर्ट कर देंगे एंजियोटेंसिन वन। तो हम बताएंगे कि रेनिन करता क्या है, रेनिन लव को कट करता है, किसको, लव को कट करता है। ये लव क्या है, तो ये है ल्यूसिन और ये है वेलाइन, रेनिन कट द लव। अब देखते हैं कि उसमें से एंजियोटेंसिन क्या बनता है, एंजियोटेंसिन वन, उसको बोलते हैं एंजियोटेंसिन। तो ये एंजियोटेंसिन वन है, तो देखो एक वन का हम यूज करके हम बता देंगे कि इसमें 10 एमिनो एसिड्स है, आगे जाके हम उसको बताने वाले हैं, ये डेका पेप्टाइड है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। डायपेप्टाइड का मतलब होता है कि उसमें दो पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं, ऐसा नहीं होता, पर उसका मतलब ये होता है कि ये जो है उसमें दो एमिनो एसिड्स होते हैं। तो ये एंजियोटेंसिन वन में 10 है, तो फिर उसको जाके देखे तो एंजियोटेंसिन टू कैसे बनता है, तो ऐसी ही एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम आप देख सकते हो यहाँ पे, मैं उसको इरेज करके भी आपको दिखा सकता हूँ कि जो एंजियोटेंसिन वन एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम है वो जाके क्या करेगा कि जो पीएच है पीएच को कट करेगा। पीएच को कैसे कट करेगा भाई, वो फिनाइल एलानिन और हिस्टिडिन को कट करेगा। तो लव ने कुछ पीएच मेजर की, लव ने कुछ पीएच मेजर की और ये कुछ आसपास आ गई, आसपास आ गई। तो अभी ये हमारा एक सेंटेंस हो गया, लव ने कुछ पीएच मेंटेन की और वो आसपास आ गई। तो यहां से कुछ वो डेकापेप्टाइड को रिमूव करते, यहां से ये दो निकलते हैं उसको बोलते हैं डायपेप्टाइड, और ये बोलते हैं यहां से तीन निकलते हैं तो उसको बोलते हैं ट्राइपेप्टाइड। यहां से तीन निकलते हैं, देखो यहां पे लिखते हैं, यहां से तीन एमिनो एसिड निकलते हैं, इसमें से दो एमिनो एसिड निकलते हैं और इसमें से एक एमिनो एसिड निकलता है, बहुत ही सिंपल। अभी इसको कौन निकलाएगा, एंजियोटेंसिन टू जो है यहां तक सब सी टर्मिनल से निकले, रेनिन सी टर्मिनल से, एसी ही सी टर्मिनल से। अभी जो है उसका नाम ही है अमीनोपेप्टिडेज, अमीनोपेप्टिडेज का मतलब होता है कि वो एन टर्मिनल की साइड से एक एमिनो एसिड्स को ब्रेक करेगा। तो ये यहां से कुछ ब्रेक करते हैं, तो यहां पे
क्या होगा कि एक एमिनो एसिड रिमूव हो गए, एंजियोटेंसिन 3 बनता है, एंजियोटेंसिनेज, और एंजियोटेंसिनेज भी बोल सकते हैं, और उसको एमिनोपेप्टिडेज भी बोल सकते हैं। उसमें से हमें जो मिलता है, यहां तक 8 एमिनो एसिड्स थे, यहाँ पे 7 एमिनो एसिड्स आ जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। वो याद कैसे करने हैं, वो याद इस तरह से करने हैं, वो मैंने बता दिए। जो पहला था उसमें से 3 फ्रेगमेंट निकलते हैं, उसको बोलते हैं ट्राइपेप्टाइड। यहाँ से 2 निकलते हैं, देखो ये 2 निकल गए, ये 2, एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि ये कैसे है। देखो यहाँ से ये 3 निकलते हैं, उसको ट्राइपेप्टाइड बोलते हैं, यहाँ से ये 2 निकलते हैं, उसको डाइपेप्टाइड बोलते हैं, और यहाँ से एक ही निकलता है, उसको पेप्टिडेज बोलते हैं, वो सी टर्मिनल की ओर से, सॉरी एन टर्मिनल की ओर से निकलता है, और ये जाके एंजियोटेंसिन 3 में से इनएक्टिव प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। अगर हमें करना क्या है, हमें उसके साथ बिड़ना है कि भाई उसको रोको तो ये सब कुछ नहीं होगा, और ये सब कुछ नहीं होगा तो हमें जाके करीबन कुछ ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाएगा, क्योंकि ब्लड प्रेशर बढ़ाने में किसका रोल है, ब्लड प्रेशर बढ़ाने में ये हमारा जो एंजियोटेंसिन 2 है, ऑक्टापेप्टाइड वाला 8 एमिनो एसिड, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8, और ये जो हमारा हेप्टापेप्टाइड है वो रिस्पॉन्सिबल है। तो देखते हैं उसकी केमिस्ट्री में कैसे उसको बढ़ाते हैं। केमिस्ट्री देखें तो एंजियोटेंसिनोजन जो पहला हमारा आया था वो ग्लाइकोप्रोटीन है, सिंथेसाइज हमारा कुछ लीवर में ही होता है एंजियोटेंसिनोजन, तो उसको ब्रॉक इन द सर्कुलरी सिस्टम, लीवर में से वो ब्लड में आएंगे, वो ब्लड में जाके चलता रहेगा। तब रेनिन कहां से आता है, वो एस्पार्टिल प्रोटीएज एंजाइम है, एस्पार्टिक एसिड का नाम आपने सुना होगा, उसकी बाउल से वो एस्पार्टिल प्रोटीएज है, वो प्राइमरी सोर्स इज द किडनी, उसका प्राइमरी सोर्स जो किडनी है, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल में से वो रिलीज होता है और जाके क्या करता है, क्लेव द लव बॉन्ड फ्रॉम द सी टर्मिनल, मैंने बताया कि वो सी टर्मिनल किसको बोलते हैं, राइट हैंड साइड को, टू रिलीज द डेका पेप्टाइड। डेका मींस 10 एमिनो एसिड्स का एक ग्रुप रिलीज करते हैं, उसको बोलते हैं एंजियोटेंसिन 1। उसके बाद आता है ACE, इसमें मैंने थोड़ा सी पे डार्क किया है, ये क्यों डार्क किया है मैं आपको बता दूं कि वो जिंक कंटेनिंग ग्लाइकोप्रोटीन है, देखो इसमें भी सी आता है, एक ही है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ए मेटल को याद रखना, जिंक कंटेनिंग ग्लाइकोप्रोटीन, ये सब जिंक कंटेनिंग ग्लाइकोप्रोटीन नहीं थे, एंजियोटेंसिनोजन नहीं थे, ये एंजाइम है वो जिंक कंटेनिंग ग्लाइकोप्रोटीन है, वो नॉन स्पेसिफिक पेप्टिडाइल डाइपेप्टाइड हाइड्रोलाइज, हाइड्रोलाइज मींस की उसको ब्रेक करना है, डाइपेप्टाइड मींस की जो तोड़ता है उसमें से 2 एमिनो एसिड निकलते हैं, कौन से निकलते हैं, मैंने बताया आपको इसमें से हिस्टिडीन एंड ल्यूसिन निकलते थे, वो फिनाइल और हिस्टिडीन के कॉम्प्लेक्स को ब्रेक करता था, कार्बोक्सिल टर्मिनल और सी टर्मिनल भी बोला करते हैं। उससे आगे चले तो कन्वर्ट द एंजियोटेंसिन 1 टू द ऑक्टापेप्टाइड एंजियोटेंसिन 2, तो वो जो एंजियोटेंसिन 1 था उसका कन्वर्जन 10 एमिनो एसिड्स में से 8 एमिनो एसिड्स में हो गया, उसको बोलते हैं एंजियोटेंसिन 1। अभी आगे देखते हैं ग्लूटामाइल एमिनोपेप्टिडेज, ग्लूटामिक एसिड एक हमारा एमिनो एसिड्स है, उसमें भी क्या होता है कि बाय रिमूवल ऑफ द एन टर्मिनल एस्पार्टिल रेसिड्यू, वो एन टर्मिनल के साइड से एस्पार्टिल रेसिड्यू को ब्रेक करता है, उसको एमिनोपेप्टिडेज भी बोलते हैं, एमिनो साइड से एन टर्मिनल साइड से ये एमिनो एसिड्स को तोड़ता है, उसको पेप्टिडेज बोलते हैं, वो एंजियोटेंसिन 2 को एंजियोटेंसिन 3 में कन्वर्ट करता है। ये थोड़ी बहुत बायोकेमिस्ट्री हो गई, क्योंकि वो पेप्टाइड के रिलेटेड है तो उसको केमिस्ट्री नहीं बोलते हुए हम बायोकेमिस्ट्री बोलते हैं। अब देखते हैं कि हमें बिड़ना किसको है, हमें एंजियोटेंसिन 1 के साथ ACE कैसे बाइंड होता है, ये जुगाड़ हमें आना चाहिए। अगर ये जुगाड़ हमें आ गया तो हम जाकर ऐसी कोई ड्रग भेजेंगे कि जो ड्रग जाके एंजियोटेंसिन 1 के साथ जुड़ जाए और ACE फ्री हो जाए, तो उसका कन्वर्जन एंजियोटेंसिन 2 में होना बंद हो जाए, तो हमारा ब्लड प्रेशर डाउन हो जाए। तो देखो ये हमारा ड्रग का स्ट्रक्चर भी हम बोल सकते हैं, पर यहाँ पे ये हमारा एंजियोटेंसिन 1 का स्ट्रक्चर है और 1 में 10 एमिनो एसिड्स होते हैं, तो लास्ट के और एंजियोटेंसिन 1 में ACE जो है
वो डाइपेप्टाइड को ब्रेक करता है। उसमें दो एमिनो एसिड्स होते हैं, एक हिस्टिडिन होता है, हिस्टिडिन के पास से ल्यूक ऐसा रिलीज करते हैं। तो देखो ये हुआ हमारा पेप्टाइड बॉन्ड, और ये हुआ हमारा पेप्टाइड बॉन्ड। पहले ये केमिस्ट्री देख ले, और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे कितने एमिनो एसिड्स हुए। देखो ये एमिनो एसिड्स हो गए। फिर दूसरा मैं आपको बता दूं कि ये एमिनो एसिड्स हो गया, ठीक है। और तीसरा मैं आपको बता दूं कि एक करीबन कुछ ये भी हमारा एमिनो एसिड ही बोल सकते हैं, और ये हो गया। एमिनो एसिड्स का स्ट्रक्चर आना बहुत ही जरूरत है, और वो मैंने एक वीडियो बनाया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, तो आगे भी आपको ऐसे ही केमिस्ट्री मिलती चलेगी। तो अब एक जुड़ता कैसे? देखो कोई भी ड्रग के साथ और कोई भी बॉन्ड ऐसे बनते हैं जो इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस से बनते हैं। तो देखो ये नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज के साथ कौन जुड़ेगा? उसके साथ NH3+ जुड़ता है। वो कहां से आता है? एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम से। दूसरी एक बात होती है, ये हमारा देख लो, एक येल्लो वाला एमिनो एसिड्स में से हो गया। अब इस वाले येल्लो से में से हम देखते हैं यहाँ पे जिंक जुड़ता है, और बीच में ग्रीन वाले के साथ कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग साइट है, वो ACE एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम का हाइड्रोजन के साथ यहाँ पे जो बॉन्ड बनता है। तो तीनों के तीन एमिनो एसिड के साथ एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जुड़ने के बाद उसका कन्वर्जन एंजियोटेंसिन 1 में होता है, सॉरी 2 में होता है, हो गया। अब हमें जाके उसको ब्लॉक करना है। तो हम क्या करेंगे, जो जो जगह पे पिंक कलर से जुड़ा हुआ एसी ही है उसको निकाल कर हम कुछ ना कुछ यहाँ पे ड्रग लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? यहाँ पे इस जगह पे ड्रग लगा दे। अगर हम इस जगह पे ड्रग लगाने में सक्सेस हो गए तो ये कन्वर्जन ब्लॉक हो जाएगा। कन्वर्जन ब्लॉक हो जाएगा तो हमारा ब्लड प्रेशर वेजो कंस्ट्रिक्शन भी होगा नहीं होगा, और मिनरल का रिटेन भी नहीं होगा, और ब्लड प्रेशर भी नहीं बढ़ेगा। चलो तो देखते हैं कैसे करना है वो। तो ये हमने साइट्स देखी। तो देखो पहले इसके बारे में, नेगेटिवली चार्ज कार्बोक्सिलेट, उसको बोलते हैं कार्बोक्सिलेट, टर्मिनस ऑफ एंजियोटेंसिन 1, ये साइट है। दूसरी हम देखें तो जिंक एटम इन द मैकेनिज्म ऑफ एसी हाइड्रोलाइसिस वाज एज्यूम्ड टू बी सिमिलर टू दैट ऑफ द कार्बोक्सी पेप्टिडेज ए। तो ये जो हाइड्रोलाइसिस होता है जिंक के साथ, एसी में जो जिंक होता है वो जो हाइड्रोलाइसिस करता है वो बहुत ही सिमिलर किसके साथ होता है? कार्बोक्सी पेप्टिडेज ए के जैसा है, क्योंकि उसका जो रिजल्ट है एसी का क्लेवेज डायपेप्टाइड है इंस्टेड ऑफ सिंगल एमिनो, क्योंकि कार्बोक्सी पेप्टिडेज भी डायपेप्टाइड को ब्रेक कर बनाता है, और ये जो एसी ही है वो भी डायपेप्टाइड को बनाता है। तो हम ऐसा सोच सकते हैं कि वो जाके कहीं ना कहीं यहाँ पे ही रुकते होंगे, मींस कि वो कहीं ना कहीं बहुत सिमिलर होंगे किसके साथ? वो बहुत ही सिमिलर होंगे कार्बोक्सी पेप्टाइडेज ए और एसी ही इनहिबिटर। तीसरी बात हम देखें तो कुछ साइड चेन R1 एंड R2, देखो ये R1 है और ये R2 है, कुड कंट्रीब्यूट टू द ओवरऑल बाइंडिंग अफिनिटी। ये जो बाइंडिंग बनाने अच्छी तरह बनाने के लिए उसका भी रोल बहुत ही ज्यादा है। बट डज नॉट शो स्पेसिफिसिटी फॉर द सी टर्मिनल हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड्स, हेंस वॉज नॉट एक्सपेक्टेड टू हैव हाइड्रोफोबिक बाइंडिंग पॉकेट। कई जगह पर हम बोल देते हैं कि ये कार्बन की चेन है तो वो हाइड्रोफोबिक क्या बनाएंगे, पर वो लोग हाइड्रोफोबिक नहीं बनाते। मैं आपको बता दूं वो हाइड्रोफोबिक के लिए यहाँ पे है ही नहीं, वो अच्छी तरह बाइंडिंग करने के लिए है। और लास्ट में टर्मिनल पेप्टाइड बॉन्ड इज नॉन लेबल, देखो यहाँ पे देखा है लिखा है लेबल, तो यहां से टूटेगा, यहां से टूटेगा, तो यहां से ये दो एमिनो एसिड निकल के आ जाएंगे। ये जो दो एमिनो एसिड्स निकल के आते हैं तो हम बता सकते हैं कि ये जो दो एमिनो एसिड्स निकल के आते हैं तो हमें यहाँ पे क्या है कि ये बॉन्ड को हमें तोड़ना नहीं है, यहां से नहीं, यहां से तोड़ना है, ठीक है। प्रोवाइड द हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन द सब्सटेट एंड एसी, द टर्मिनल
पेप्टाइड बॉन्ड इज नॉन लेबल वॉज एज्यूम टू प्रोवाइड हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो ये है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है वो नहीं टूटेगा, उसको तोड़ना नहीं है, जो जिंक के साथ जुड़ता है उसको तोड़ना है, वो कैसे तोड़ना है वो भी हम आगे देखेंगे। तो ये अब थोड़ी बहुत केमिस्ट्री हो गई, हमको पता चल गया कि ये जो ACE के साथ कौन कैसे जुड़ता है। तो अब हम ड्रग बनाए तो कैसे बनाए, हम ड्रग बनाए तो कैसे बनाए वो हम देखने वाले हैं।